Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो न्यू मूवी रिलीज हुई है वेंकय मामा। इस मूवी ने बहुत बड़ा धमाल कर दिया है। आज है संडे और आज के दिन कहा जा रहा है कि ये मूवी फर्स्ट डे में जो इस मूवी ने कलेक्शन किया था उसी तरह से कलेक्शन आज के दिन भी होने वाला है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट डे का कलेक्शन का रिकॉर्ड भी आज के दिन ये मूवी तोड़े। यानी कि वेंकय मामा का संडे जो है वो गोल्डन संडे जाने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा गोल्डन मूवी वेंकय मामा और 2019 की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन के बारे में। तो ये कोई मैं इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर रहा कि किस कौन सी मूवी पीछे हो गई, कौन सी मूवी हार गई। मैं ये मूवी दोनों कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मूवीज़ जो हैं वो है वेंकटेश की और दोनों ही मूवीज़ जो हैं बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। तो थोड़ा आपको अंदाज़ा, आपको थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में पता चल जाएगा कि वेंकय मामा किस तरह से बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म कर रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप जल्दी से जाएं, चैनल के नीचे आपको, वीडियो के नीचे आपको चैनल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आगे आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक करें और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा होगा। फिर आप बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, तब आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स की आती रहेंगी। वेंकय मामा और फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 के बारे में बात करूं, खास बात यह है कि इन दोनों ही मूवीज़ में वेंकटेश मेन लीडिंग रोल में है और दोनों ही मूवीज़ में चार किरदार है मेन लीडिंग रोल के, जैसा फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 में भी देख सकते हैं और वेंकय मामा मूवी में भी देख सकते हैं। दोनों ही मूवीज़ एक बहुत पॉपुलर मूवीज़ हो चुकी हैं। वेंकय मामा को हालांकि लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिटिक्स को थोड़ा बहुत इस मूवी से दिक्कत है, लेकिन दोनों मूवीज़ के कंपेरिजन के बारे में बात करूं तो वेंकय मामा को रिलीज़ किया गया है 13 दिसंबर यानी कि 13th December 2019। स्क्रीन काउंट अराउंड 600 से 700 के आसपास मिले हैं इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब आपको अगर कलेक्शन के बारे में बताऊं तो मूवी वेंकय मामा को सेकंड डे में बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। मूवी ने 4.85 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल कलेक्शन हो चुका है 11.90 करोड़ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 25 करोड़ प्लस का ग्रॉस कलेक्शन। अब बात करते हैं थर्ड डे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट डे मूवी के लिए होने वाला है। वेंकय मामा का थर्ड डे यानी कि आज संडे और वेंकय मामा के लिए ये है एक गोल्डन संडे, क्योंकि मॉर्निंग से इस मूवी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और लोगों ने इस मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हाउसफुल शोज जा रहे हैं काफ़ी जगह में और अगर नॉर्मल ऑक्यूपेंसी आप देखें तो मॉर्निंग से ही लगभग 30-40% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग से ही थी और उम्मीद तो ये लगाई जा रही कि आज के दिन का जो मूवी का कलेक्शन होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डे से भी ज़्यादा कलेक्शन मूवी का आज के दिन हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर मूवी 7 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन भी करती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 18.90 करोड़, वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शेयर कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 40 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन। यानी कि ये मूवी फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 को बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। अब सीधे आपको ले चलता हूँ फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2। फर्स्ट डे मूवी ने कलेक्शन किया था 4.90 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 13 करोड़। सेकेंड डे में 4.55 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 10 करोड़। थर्ड डे में मूवी ने कलेक्शन किया था 5.25 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 12 करोड़। यानी कि अभी तक का फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 का जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका था वो था 14.70 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड में 35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। यानी कि वेंकय मामा और फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 वैसे तो दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन वेंकय मामा को अभी भी अगर इसे सुपर डुपर हिट होना है तो इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अराउंड 25 करोड़ प्लस का शेयर कलेक्शन करना ही होगा और वर्ल्ड वाइड में 36 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस शेयर कलेक्शन। फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी को वेंकय मामा ने बीट कर दिया है और कहीं ना कहीं वेंकय मामा अभी भी बॉक्स ऑफिस में फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 से आगे चली हुई है। तो आपको क्या कहना है वेंकय मामा और फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।